को हमें अवॉइड कैसे करें वो भी हमें सोचना। अच्छा जैद भाई, इस हवाले से मैं अपना जाती एक्सपीरियंस आपसे शेयर भी करना चाहता हूँ, सवाल भी पूछना चाहता हूँ। जैसा कि डॉक्टर साहब ने अभी कहा और मैंने बड़ा इत्तेफाक किया उस बात से कि हमारे यहाँ वकीलों की कमी है। मेरे कोई रिलेटिव है, उनके यहाँ अजीब वाकया हुआ। उनका बच्चा वकील है, उन्होंने बड़ी मेहनत से पढ़ा लिखा के उसको वकील बनाया और इत्तेफाक से उस बच्चे को सड़के को एक लड़की पसंद आई जो देवबंद से ताल्लुक रखती थी, देवबंद के किसी आलिम की बेटी थी। उनके उसने वालदा से कहा, वालदा वहाँ रिश्ता लेके गई शादी करने के लिए और वहाँ लोगों ने उनको बाकायदा ये इनकार कर दिया कि हम वकील से शादी नहीं करते। हम बात कर रहे हैं हमारे एक इस्लामी माहौल की या इस्लामिक उलमा के माहौल की। उन्होंने एक वकालत के पेशे को इन जर्नल, मैंने ऐसा देखा है, डिस्कार्ड किया हुआ है कि ये तो झूठ बोलने वाले लोग हैं, झूठ का कारोबार करने वाले लोग हैं, ये हमारे यहाँ एक्सेप्टेबल नहीं है, हम इन्हें अपनी बेटियाँ नहीं देते। बाकायदा ऐसा हुआ। तो ये क्या मिथ है या इसकी इस्लाम में कोई जगह है या इस्लामी स्ट्रक्चर में ये मान लिया जाए कि ये जो हमारे हिंदुस्तान में अदालती और अदालती निज़ाम है और इनकी पैरवी करने वाले जो वकील हैं वो हमें सारी जिंदगी बाहर से लेने पड़ेंगे? कुरान की आयत है, अल्लाह ताला ने फरमाया, तावनु अलल बिर्री व तक्वा, नेकी और भलाई के कामों में ताउन करो, वला तावनु अलल इस्मी वल उदवान, गुनाह और नाफरमानी के कामों में ताउन मत करो। अब एक लॉयर है जिसे पता है कि ये मेरा जो क्लाइंट है ये सचमुच कल्प्रेट है, ये सचमुच मर्डरर है, ये सचमुच रेपिस्ट है, और अगर वो कहे मेरा तो ये प्रोफेशन है, तो हम देखते हैं कि इस तरह का काम अच्छा नहीं है, सही नहीं है, क्योंकि एक तरह का ताउन हुआ। वो उस मर्डरर को अपने मर्डर की सजा ना पाने में एक तरह का ताउन और कॉपरेशन कर रहा है। तो यहाँ पर एक कॉन्शियंस की बात है, प्रोफेशन खुद गंदा नहीं है, प्रोफेशन का गलत इस्तेमाल खराब हो सकता है। और मैं तो ये समझता हूँ कि चाहे जिस किसी प्रोफेशन में एक इंसान है, इस्लाम ने एक्सीलेंस सिखाई है, और जब एक्सीलेंस होती है तो हम अपने टर्म्स पे काम कर सकते हैं। अगर कोई भी फील्ड के अंदर हम एक्सेल करें तो हम मोहताज नहीं रहते हैं। हम अगर उस फील्ड के अंदर अपने अंदर एक्सेलेंस पैदा करें तो यू आर द मोस्ट सॉट आफ्टर लॉयर, तो आप अपने टर्म्स पे काम कर सकते हैं, केस को समझ सकते हैं, केस समझने के बाद अगर उसके अंदर वर्थ लगती है तो जी जान लगा डालो, और अगर नहीं है या अगर कभी कभार ऐसे होते हैं कुछ ग्रे मैटर्स होते हैं जिसके अंदर सिर्फ फैक्ट्स को प्रेजेंट करना होता है बिफोर द जज, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम किसी भी मैटर में जज मत करना जब तक दोनों साइड को ना सुन लो, तो वो चीज में ये सिर्फ ऐसा कर रहा है ऐसे ग्रे मैटर के अंदर कि ही इज प्रेजेंटिंग द फैक्ट्स ऑफ द केस सो दैट जो मोस्ट इन्फॉर्म्ड पर्सन है वो उस चीज के अंदर सही डिसीजन ले पाए। तो हम ये देख सकते हैं कि ये एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल चीज है जो उस लॉयर को अपने तौर पर सही इस्तेमाल कर। रिश्ते में जो बात आई है मैं उस पर भी कहना चाहूंगा कि उन्होंने इस बुनियाद पर रिजेक्ट किया कि साहब ये लीगल प्रोफेशन में है। तो देखिए जहां तक लीगल प्रोफेशन का ताल्लुक है, आम तौर पर बहुत से थिंकर्स ने और बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में जो जो बातें कही हैं उस हिसाब से तो उन्होंने किया। लेकिन जैसा कि अभी आपने ये कहा कि चाहे कोई प्रोफेशन हो, बिजनेसमैन हो, इवन की प्रीचर्स हैं, टीचर्स हैं, इंजीनियर है, डॉक्टर हैं, कुछ लोग उसको बिल्कुल सही कर रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं। तो हमें इसमें यह देखना है कि हमारे पास ना क्वालिटी है ना क्वांटिटी है, और हम ये चाहेंगे कि जैसे हर आदमी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि वो अच्छा हो जाए, वो नेक बने, इसी तरह हम अपने, मैंने पहले ही कहा कि अपने कॉम्पिटेंट बच्चे को डालें, और बच्चे की अगर घर पर तरबियत सही है, अगर बच्चे को हमने अच्छी तरबियत दी है तो इंशाल्लाह वकील बनने के बाद भी वो एक्सेल करेगा और इस बात की कोशिश करेगा कि उन्हीं केसेस को लें जो सही हो और जिससे लोगों का फायदा हो। अदरवाइज ये फील्ड सबके लिए खुली बेईमानी की। हर प्रोफेशन में आपको ईमानदार भी मिलेगा, बेईमान मिलेगा, और दूसरी बातें भी मिलेंगी आपको। ऐसे ऐसे बेईमान मिलेंगे कि वो सोचते हैं कि अगर बेईमानी ना करते तो कुछ ना होता, और ऐसे ऐसे ईमानदार मिलेंगे वो कहते हैं हमें बेईमानी की जरूरत ही नहीं, हमें ईमानदारी से अल्लाह ताला हुक्म दे रहा है। तो मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है कि लीगल प्रोफेशन को आप अपनाएं, क्योंकि यहाँ तादाद भी कम है आपकी, क्वालिटी भी नहीं है, और कॉलेजेस भी नहीं हमारे पास है। बाकी अगर आपका अपना अच्छा कॉलेज है तो उस बच्चे को ये बताएंगे कि हराम हलाल का क्या फर्क है तुम्हें, तुम अच्छे काम करो, तुम एक्सेल करो। एक्सेल करने के बाद तो अपने टर्म्स में, जैसे आपने कहा, अपने टर्म्स पे आदमी कर सकता है। एक्सेलेंस भी चाहिए और कैरेक्टर तो हमें बिल्डअप करना ही, अपने बच्चों का कैरेक्टर की खराबी से नॉर्थ इंडिया में गड़बड़ है। हमारे बच्चे जो बहुत अच्छे निकल रहे हैं देखिए गड़बड़ हो जाते हैं। इकरा के साथ इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, यस बिल्कुल, अपने रब के नाम से। उसके अंदर पढ़ना तो आज बहुत सारे लोग करना शुरू कर दिए, लेकिन रब को भूल कर पढ़ रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है। लेकिन हकीकी बरकत जो है वो सिर्फ हलाल कमाई में है, वो हराम चीज के अंदर जो चीज आएगी वो ढील है, बरकत नहीं, ढील दिखेगा नहीं, ढील है, अल्लाह की तरफ से ढील है, बेईमानों को दी जाने वाली ढील है। कह दिया गया रस्सी दराज की जा रही है तो वो रस्सी दराज है, वो बरकत नहीं है। लेकिन बहुत खूबसूरत और अच्छी बात नाज़रीन निकल के ये आती है कि आप वकील बन जाएं, डॉक्टर बन जाएं, राइटर बन जाएं, कुछ भी बन जाएं, लेकिन उससे पहले अगर आप एक अच्छे मुसलमान हैं, अपनी औलाद को एक अच्छा मुसलमान बनाया है, प्रैक्टिसिंग मुसलमान बनाया है, तो फिर उसके लिए कोई पेशा बुरा नहीं है। वो अपनी शर्तों पे डॉक्टर बनेगा, वो अपनी शर्तों पे वकील बनेगा, वो अपनी शर्तों पे राइटर बनेगा, वो अपनी शर्तों पे बिजनेसमैन यानी कारोबारी आदमी बनेगा।
اور اسلام کو پریکٹس میں رکھے گا تو ان میں سے کوئی بھی برائی اس کے قریب نہیں آئے گی، بلکہ ان پیشوں کو نوبل بنا دے گا، ان پیشوں کو اتنا متبرک اور مبارک بنا دے گا کہ لوگ اس کی مثالیں دیا کریں گے۔